गाइस आज हम बना रहे हैं समीक्षा के लंच में झटपट बनने वाली, इंस्टेंट बनने वाली एकदम क्विक सी रेसिपी, जो है आटे का चीला। तो आटा ले लिया हमने, बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ये दही है, आधा कप दही है, एक कप आटा है, और ये एक छोटा सा स्मॉल टमाटर है, ये एक हरी मिर्च है, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो तीखा खाता नहीं है, बट ये फिर भी मैंने डाल देगी थोड़ा सा तो खिलाना चाहिए फुल्का फुल्का। ये है मटर, जो सफल मटर होती है वो, और इसमें शिमला मिर्च है, ग्रीन कैप्सिकम, ये मैंने इसमें चॉप कर दिए हैं चॉपर में। तो अब हम इसको रख कर देते हैं घोल कर तैयार, मिक्स कर देते हैं। पहले डालेंगे हम आटा, फिर डालेंगे हम इसमें मटर, आप इसमें और भी सब्जी डाल सकते हैं, बट आज पेरेंट्स की चॉइस से जा सकता है लंच, तो मैं इसलिए आज इसके लिए ही बना रही हूँ आटे का चीला। ये हमने डाल दिया इसमें टमाटर, और हम डालेंगे इसमें ये एक ग्रीन चिली जो काटी हुई, अब हम डालेंगे इसमें दही, दही ये ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो बस मैंने इसमें 3 स्पून दही डाली है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। तो आप भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लंच में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा इसको ऐसी चीज़ देती हूँ, इसको देखने में भी अच्छी लगेगी और खा भी लेगा आराम से, क्योंकि इसकी मटर फेवरेट है। अब आप इसमें जितना इसको ज़रूरत है उसमें उतना पानी डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। चाहे तो आप इसको दही दही में भी बना सकते हैं दही दही का, पर उससे फिर कभी ज़्यादा खट्टा खट्टा लगे, इसलिए हम दही के साथ साथ पानी भी डालेंगे। हल्दी भी डाल सकते हैं आप इसमें, मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैं चाहती हूँ जो इसका नेचुरल कलर है वही आए, कि आप इसका चीला बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाना ही। तो बस ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये आराम से गिर रहा है, तो ये सही बन रहा है। तो अब हम इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे इसको। अभी टाइम हो रहा है 6:30 का, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, अगर टाइम नहीं होता तो मैं सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट ही छोड़ती। तो इस पर मैंने डाल लिया घी, क्योंकि बच्चे के लिए बन रहा है तो देसी घी में बना है, हेल्दी बनेगा। तो बस अब हम डालेंगे बैटर, इसको गैस को सिम कर रखी है हमने, तो बस हल्की सी तेज कर देंगे और इसको पकने देंगे। देखिए तैयार हमारा चीला लंच, देखिए पराठे की तरह भी बन गया, देखिए
तो आप इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मैंने उसके फ्रूट काट दिए, तो बस अब हम चलते हैं, लंच पैक करते हैं।